नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बातों बातों में जिस टॉपिक को हम अपने वीडियो का हिस्सा बनाएंगे वो है एक घर में कैसे जो पुराने टाइम में लेडीज अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करती थी, उस बारे में वीडियो है। आप ये एक दरी देख रहे हो, मैंने इसको खादी ग्राम उद्योग से खरीदा है। जब हम खरीदते हैं तो हमें इस रूप में दरी मिलती है। ये देखो फ्रेंड्स, आप ये देखो कि इसके धागे जो हैं वो कैसे बिखरे बिखरे से हैं, लेकिन जो इसकी फिनिशिंग टच है वो हमें खुद करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये फिनिशिंग टच देना कोई आसान काम नहीं है। पुराने टाइम में लेडीज इस काम को खेल खेल में जो करती थी, आजकल के बच्चों के लिए ये काम उतना ही मुश्किल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब करना सिखाऊंगी। कोई भी हम संभाल लेते हैं उसकी वैल्यू तब तक होती है जब तक हम उसको संभाल कर रखते हैं। अगर हमारी संभाल अच्छी है तो हमारी चीज़ जो है हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो जाती है, अदरवाइज वो चीज़ जो है एक साल बाद कबाड़ खाने में चली जाती है। तो कैसे मैं इसको फाइनल टच देती हूँ ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जो 50 प्लस की लेडीज़ हैं शायद उनको ये काम आता हो, लेकिन उससे जो छोटी एज के मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। और तो स्टार्ट करते हैं हम दरी के बिल्कुल कॉर्नर से। आप देख रहे हो कॉर्नर जो है दरी का कैसे बड़ा रफ सा है। अब मैं इसको कैसे स्टार्ट करके बनाती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। नहीं, ये देखिए बट भी देना है, उसके बाद इसको बट को हमने रोल में तब्दील करना है। तो ये दरी की ये जो सेटिंग है ये मुझे किसने बताई, मेरी मम्मी ने। लेकिन अब ये दूसरी लेयर पे हम आ गए हैं, इसमें भी हमने 5 धागे इधर के और 5 इधर के लेके, देखिए इसको ऐसे क्रॉस करना है और क्रॉस करने के बाद इसको बट डालने हैं। ये देखो दोनों साइड से बल डालते हुए फिर इसको ऐसे रोल करते जाना है। ये देखिए एंड तक हम ले गए, पूरी दिखाओ। ये देखो इसको हमने अब ऐसे लेके ये गांठ मारनी है। तो जिस काम के लिए आजकल मार्केट में पैसे देके भी जो काम नहीं होता है, अगर हम वो सीख जाते हैं तो नेचुरली उस काम की वैल्यू बहुत होती है। और साथ साथ जो हमारी घर की चीजें होती हैं जिनको हम कभी कभी खरीदते हैं वो कितनी मतलब ड्यूरेबल हो जाती हैं, ये अभी आप जब पूरा मेरा बन जाएगा तो आप देखोगे और उसकी खूबसूरती कितनी बढ़ती है। काम करेंगे, मेहनत तो देखो करनी पड़ती है, मेहनत करने के बाद ही किसी चीज की खूबसूरती बढ़ती है। मेंटेनेंस जो है वो हमारी खरीदारी से ज्यादा मस्ट होती है। अगर ये देखिए ये जो हमारा ये धागा है इसकी वजह से क्या है, इसको हमने पीछे की तरफ लेना है, बिल्कुल इसको लॉक कर देना है और ये 5 लेने हैं और 5 इधर से। बहुत इजी है। और बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हो, आप किसी के साथ गपशप मार रहे हो, आप फ्री बैठे हो, आपका ये बैठे बैठे ही काम हो जाता है। और इसके लिए किसी भी जैसे एक एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, किसी सुई की किसी धागे की जरूरत नहीं होती है। जस्ट आपने ये ऐसे जो है, अब देखो आप इन धागों को देखो और इन धागों को देखो, तो आप देखोगे कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। क्या ये फैली फैली दरी अच्छी ऐसी अच्छी लगेगी या ये बनी हुई अच्छी लगेगी। अब ऐसे करते करते हमने पूरी की पूरी जो है ये लाइन को बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड, रिजल्ट हमारे सामने है। एक तरफ दरी के एक साइड पे मैंने ये सारी की सारी फिनिशिंग टच दे दी है, सीरियल वाइज देखिए आप, और दूसरी साइड जो है बिना फिनिशिंग टच के है। तो आप खुद जज करो कि आपको कौन सा रूप जो है दरी का पसंद आएगा। तो आप भी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखो और अपने घर में ही अपनी चीज़ों को कैसे संवार के रखते हैं, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी दरी को खूबसूरत बनाओ। और हमारी दादी या हमारी नानी या हमारी मम्मी काम करते थी, उस काम की कितनी वैल्यू थी, ये बिल्कुल बगैर कीमत के यानी कि प्राइसलेस। आप इसको बाजार से करवाओगे कोई आपको 100 रुपये में भी नहीं करके देगा, लेकिन हमारी माँ और हमारी दादी जो है इसको घर बैठे बैठे अपना घर का सारा काम निपटा के अपने टाइम को, खाली टाइम को कैसे वो कैश करती थी,
इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी ही मैं काफ़ी अच्छी यूज़फुल वीडियो और भी लेकर आती रहूँगी। आप मेरे वीडियो जो है देखते रहिए और बातों बातों में अपनी लाइक, कमेंट्स और शेयर को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।